धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे 30,000 के इनामी डकैत सुरेंद्र ठाकुर और 5,000 के इनामी डकैत रविंद्र ठाकुर को राजाखेड़ा थाना इलाके के चंबल के पिहड़ों से गिरफ्तार किया है। दोनों डकैत जगजीवन परिहार गैंग के सक्रिय सदस्य रहे हैं, जो साल 2000 से हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण के मामलों में वांछित चल रहे थे। अब दोनों डकैतों को से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने संभावना जताई है कि डकैतों से पूछताछ के दौरान अन्य बड़ी वारदातों के खुलासे भी हो सकते हैं। सन 2006 का ये मामला है, जिसमें कुल 8 व्यक्तियों का अपहरण जो है उस वक्त जगजीवन परिहार गैंग द्वारा किया गया था, और उस वक्त जो है तीनों राज्यों की पुलिस जो है उसके पीछे लगी थी। पूरे क्षेत्र में जो है चंबल के भीड़ों में सर्चिंग अभियान जो है चलाया गया था। उसी क्रम में जो है इसमें दो लोग आज तारीख तक जो वांछित चल रहे थे और उसी गैंग के सक्रिय सदस्य भी थे, उनको जो है धौलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक व्यक्ति सुरेंद्र जो है वो जिला मुरैना मध्य प्रदेश से 25,000 रुपये का इनाम उस पर है और 5,000 का इनाम जो है जिला धौलपुर की तरफ से है, और इसी के अलावा एक और मुलजिम जो रवि है उस पर 5,000 रुपये का इनाम जो है जिला धौलपुर की तरफ से। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ उनसे अभी